देखिए, आप चाहें तो चिकन को ग्राइंड भी कर सकते हैं। और एक एक तरीका है जो यानी ज़्यादातर हैदराबाद में तकरीबन जगह पे यूज़ होता है, जो सिलबट्टा होता है, देखिए उसमें भी लोग पीसते हैं पहले के ज़माने के जैसा। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं वो तरीका भी बता दे रही हूँ। देखिए, ये तो चिकन है ना, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग मोटा मोटा भी कूट लिए इसके अंदर तो भी टेस्ट अच्छे से आएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए चिकन बर्गर पैटीज बना रही हूँ। चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और उसका तरीका देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए शुरू करेंगे पहले चिकन से। यह है हाफ के जी चिकन। ये देखिए, इसको मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये मैंने ऐसे बड़े पीसेस। ये देखिए, ये चिकन को हमें ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इतने बड़े पीसेस लिए हैं। यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, 1 स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, 1 बंच कोरिएंडर लीव है और हाफ बंच पुदीने। यहाँ देखिए, ये 2 पिंच हल्दी है, यह है 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर नॉर्मल वाला, यह है 1 स्पून सॉल्ट, यह है 1/2 स्पून कबाब चीनी जिसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। देखिए, यह है 1/2 स्पून गरम मसाला, यह स्मॉल साइज अनियन चॉप किए हुए हैं, आधा लेमन। चलिए अब हम पहले चिकन को ग्राइंड करेंगे, उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट चिकन में जाएंगे हमारे। चलिए चिकन को डालेंगे मिक्सी जार में। ये देखिए, चलिए इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हो गया ग्राइंड, ऐसे लेना है हमको। चलिए इसको निकालेंगे और मैरिनेट करेंगे अभी। ये देखिए, ज़्यादा बारीक भी मत कीजिए, इतना बस है। चलिए मैरिनेट करना शुरू करेंगे। पहले जाएगी चॉप प्याज, फिर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला, दालचीनी पाउडर, ये है कोथमीर पुदीना, 1/2 लेमन ये भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अभी। अच्छे से मिक्स करें इसको। उसके बाद मैरिनेट होने के लिए 1 आवर रख देंगे हम लोग। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से दे डाल लीजिए चेक करके। देखिए, आप चाहें तो चिकन को ग्राइंड भी कर सकते हैं। और एक एक तरीका है जो यानी ज़्यादातर हैदराबाद में तकरीबन जगह पे यूज़ होता है, जो सिलबट्टा होता है, देखिए उसमें भी लोग पीसते हैं पहले के ज़माने के जैसा। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं वो तरीका भी बता दे रही हूँ। देखिए, ये तो चिकन है ना, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग मोटा मोटा भी कूट लिए इसके अंदर तो भी टेस्ट अच्छे से आएगा, इसलिए मैं ये भी बता दे रही हूँ आपको। मसाले भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप ग्राइंड करने के बाद या इसमें पहले चिकन पीसने के बाद भी मसाले लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब पूरे मसाले मिला लें आप, फिर एक बार ऐसे कूट लें उसको, उससे भी मज़ा और अच्छा आता। मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये फिर से की हूँ। देखिए, ये देखिए इसकी पैटी ऐसे होती है। अभी तो हम लोग इसको 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको शेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं। ये लिए जी,
चलिए एक घंटा हो जाने के बाद मैं आपको सीधा डायरेक्ट फ्राई करते हुए बताऊंगी। चलिए अभी इसको रख देंगे। हमारा चिकन हो गया रेडी, इसके पैटीज बनाएंगे अभी। ये ले लीजिए, देखो बॉल बनाएंगे उसको। बिल्कुल फ्लैट टाइप में बनाएं इसको, तो ही अच्छे से फ्राई होगा। अभी लेंगे फ्राइंग पैन, उसमें डालेंगे तेल। देखिए हमें इसे डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करना है। देखिए इसको ग्रीस कर देंगे ऐसे। अभी इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद पैटी रखेंगे। अभी डालेंगे पैटी। इसको मीडियम फ्लेम पे भी, मीडियम फ्लेम पे ही हम लोगों को ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। नॉनस्टिक पैन में ही फ्राई करें, वरना चिकन लग जाएगा फिर नीचे, पलटेगा नहीं। देखिए वन साइड हो गया, नेक्स्ट साइड टर्न करेंगे। अच्छे ऐसे प्रेस करके उसको फ्राई कीजिए। स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है इसका। देखिए वन साइड गोल्डन ब्राउन हो गया, ऐसे मार्क्स आ गए इसके ऊपर। दूसरे साइड पे भी सेम कर लेंगे हम लोग। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं पर वीडियोस को व्यूज़ उतने नहीं दे रहे जितने होने के हैं। प्लीज़ वीडियोस को भी देखिए, उसको भी व्यूज़ ज़्यादा दीजिए। पैटीज पसंद अगर आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी पैटी हो गई रेडी, इसको निकालेंगे प्लेट में, ले लीजिए।